नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य कैबिनेट की बैठक हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर तो लगाई ही गई, साथ ही साथ पारिवारिक पेंशन को लेकर भी बड़ा आदेश जारी किया गया है। राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में अब अविवाहित संतान पर आश्रित माता पिता को भी पारिवारिक पेंशन का हकदार बताया गया है। इसको लेकर और खासकर इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विभाग ने मंगलवार को संकल्प जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह फैसला राज्य में भी लागू करने की बात कही गई है। जारी किए गए संकल्प के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ उन माता पिता को जरूर मिलेगा जिनके संतान की सरकारी सेवा में रहने के दौरान जान चली गई है। ऐसे दिवंगत कर्मी का कोई अन्य आश्रित जीवित नहीं होता है, इसलिए उनके माता पिता संतान की आय पर ही आश्रित रहेंगे। बता दें कि पहले अविवाहित सरकारी कर्मियों के सेवाकाल में आकस्मिक निधन होने पर माता पिता को आश्रित मानकर पारिवारिक पेंशन देने की व्यवस्था राज्य में नहीं थी। केवल पति पत्नी या संतान इसके हकदार माने जाते थे। राज्य सरकार के पास ऐसे कई आवेदन आए जिनमें बताया गया कि अविवाहित संतान के निधन के बाद माता पिता को कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, जबकि संतान के सेवाकाल में ये उन्हीं पर आश्रित थे। शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर ये फैसला किया। पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा में आश्रित माता पिता को भी पेंशन योग्य मानते हुए उन्हें पात्र घोषित किया गया। अब राज्य कैबिनेट के इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विभाग ने संकल्प जारी किया है, यानी कि अब केंद्र सरकार की सेवा में पहले से जारी इस पेंशन प्रावधान को अब बिहार ने भी लागू कर लिया है। केंद्रीय प्रावधान को देखें तो इसमें माता पिता की आय सीमा तय कर दी गई थी। ये सभी स्रोतों से 2550 रुपए मासिक थी। इससे अधिक आय वाले आश्रितों को ये पेंशन नहीं मिलती थी। राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाकर 9500 कर दिया है, जिससे कि अब मृत बेटे के आश्रित माता पिता को दर दर नहीं भटकना होगा, बल्कि सरकार उन्हें यह राशि खुद ही मुहैया करवाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इनमें से एक एजेंडा ये भी था। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।